हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। और जैसे कि आप सब जानते हैं, दिवाली आने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो सबके घर में तैयारियां शुरू हो गई होंगी। तो मेरे यहाँ की जो डीप क्लीनिंग है वो काफ़ी दिन से चल रही थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। अब रह गई है छोटी मोटी सी साफ सफाई, जो अब मैं फटाफट से धनतेरस से पहले पहले कंप्लीट कर लूँगी। और आज आपको इसी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ अपने घर की छोटी मोटी तैयारियाँ, और साथ में दरबार लगाएंगे दिवाली के लिए, जो मैं हर फेस्टिवल पर लगाती हूँ। चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो, मैं अलग से चौकी या दरबार जरूर लगाती हूँ, तो वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है, फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा। तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैं लग गई थी किचन में अपने सारे काम कंप्लीट करने के लिए, लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि घर के काम में एक बार लग जाओ तो खाना बनाने के लिए टाइम नहीं रह पाता। तो यहाँ सारा काम कंप्लीट करने के बाद मेरे पास जो भी पटकारे लास्ट ईयर के रखे थे और जो अभी आए थे, उन सब को धूप लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नमी पकड़ लेते हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो काफ़ी सारे पटकारे ऐसे थे जो नहीं जल रहे थे, जो सील से गए थे, तो उन सबको मैं यहाँ पे धूप वगैरह लगा दूंगी, क्योंकि धनतेरस से तो बजने स्टार्ट ही हो जाते हैं, क्योंकि घर में बेटी है बजाती है, और भी घर में सब लोगों को मतलब शौक है ये सब करने का। तो यहाँ इन सबको मैं धूप लगा के इसको सही कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं करने वाली हूँ डेकोरेशन का सामान को सेट करने वाली हूँ, जो लास्ट ईयर का रखा है, पहले का रखा हुआ है, क्योंकि हर फेस्टिवल पे ज़्यादातर डेकोरेशन का सामान आ ही जाता है। दिवाली पे खास तौर पे डेकोरेशन का सामान आता है, काफ़ी ऐसा सामान होता है जो हम कई बार यूज़ कर चुके होते हैं, फिर उसे यूज़ करने का मन नहीं होता। तो यहाँ मैं सारी चीज़ों को सेट करके रख लूँगी, जो जो चीज़ें मुझे डेकोरेशन के लिए चाहिए उन्हें अलग करके रखूँगी, और जो नहीं चाहिए उसे अलग कर लूँगी, क्योंकि ये कर लेने से काफ़ी सारा ऐसा काम है हमारा जो आसान हो जाता है। जब हम डेकोरेशन करने बैठते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आज रात को ही निकाल के रख ली थी। अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे मेरे मतलब डेकोरेशन करने के लिए, झालर वगैरह लगाने के लिए भैया लोग आ गए थे, जो मैंने धनतेरस से पहले ही लगवा ली थी सारी डेकोरेशन, मतलब करवा ली थी, क्योंकि धनतेरस पे और भी सारा काम होता है, बहुत सारे धनतेरस की पूजा है, काम है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें नहीं हो पाती। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि सारे फेस्टिवल पे मैं पहले से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ। तो अब मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ दरबार। तो दरबार लगाने के लिए बैकग्राउंड मैंने पीछे वाइट ही कलर का लिया है, वैसे यहाँ कंट्रास्ट के कर्टन्स लगाती हूँ, बट यहाँ मैंने सारे वाइट कलर के लगा दिए थे, क्योंकि मैं पूरी डेकोरेशन वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में ही करना चाह रही थी। तो ये सारा पूरा बैकग्राउंड है वाइट कलर का, और काफ़ी सारी डेकोरेशन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन आती हैं, बट मैंने ये चीज़ नहीं मंगाई थी, तो ये मैंने घर में ही जुगाड़ कर लिया था। ये पाइप मैंने पहले भी मंगाए हुए थे डेकोरेशन करने के लिए, और उन्हें मैंने इस तरीके से सेट कर लिया था स्क्वायर में। तो घर में हमारे पास ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जिन्हें हम आराम से यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड बनाने के लिए। अगर आप ये सारी प्रिपरेशंस पहले से करें तो फेस्टिवल पर आपको इसका कोई भी झाड़ नहीं होगा। तो अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ फ्लावर्स, और अभी मेरा मंदिर रह गया था क्लीन करने के लिए, जो मैं बाद में करने वाली हूँ। तो अब हम फटाफट से करेंगे यहाँ पे ये जो मैंने बैकग्राउंड बनाया है इसकी डेकोरेशन, अब मैं फटाफट से स्टार्ट कर दूंगी। पास रखे हुए थे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जो काफ़ी साल पुराने हैं, 3 साल के अराउंड तो हो ही चुका होगा। तो इसको मैं चारों ओर लगा दूंगी ताकि ये पाइप दिखाई ना दें, और काफ़ी अच्छा सा एक बेस तैयार हो जाएगा, लुक भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा आने वाला है। वाइट ग्रीन ही बैकग्राउंड चाहिए था, वैसे मैं पिंक भी लगा सकती हूँ, पिंक कलर की भी नेट मेरे पास है, बट
आई थिंक मुझे वाइट ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, वाइट ज़्यादा तो अब इनके ऊपर हम लगाने वाले हैं ये फ्लावर्स जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और बेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सही जाएंगे। तो पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, साथ में ग्रीन कलर की लीव्स हैं। तो इनको हमें किसी भी तरीके से सेट खास करना नहीं होता, बस इनको आप अलग करके थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद आप इसको इसी तरीके से लगा दीजिएगा। ये अपनी ही जगह पर लगे रहते हैं, कहीं इधर से उधर नहीं होते। तो नेट के ऊपर मैंने इनको ऐसे ही लगा कर देख लिया था कि कैसे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और इसको मैंने इसी तरीके से खाली सेट कर दिया था। जब चले आएंगे तिहारी राधे राधे, जब चले आएंगे तिहारी। होली की धूम पर नाचते हैं, बाल बाल सब गाते हैं राधे। अब बीच में मैं लगाने वाली हूँ ये वाला छत्र जो मैं हर बार लगाती हूँ, जो मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी धनतेरस पे, और साथ में लटकाऊंगी ये वाली बेल जो मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। 6 का पूरा सेट है ये, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो अब हम इन सबको यहाँ पर सेट करेंगे, लेकिन मैं पहले इसको सेट करके देखूँगी क्या हाइट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग। तो मेरा ये सब कुछ तैयार हो चुका था, अब रह गया था नीचे का सब कुछ सेटल करना, यानी टेबल के ऊपर क्लॉथ वगैरह लगाना, जो कि मैं लगाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, तो वो सब करूंगी कंप्लीट। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, रात हो गई है, तो वो सब मैं आपको वीडियो में आगे लास्ट में दिखाने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपने सारे काम वाम कंप्लीट करने के बाद आफ्टरनून से मैं लग गई थी अपने ये सारे काम कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये मेरा मंदिर का रूम है और यहाँ पे कोई सोता नहीं है। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप दिवाली की या किसी भी फेस्टिवल की तैयारी पहले से नहीं कर सकते, मतलब तैयारी करके रख सकते हो, लेकिन अगर घर की डेकोरेशन की बात की जाए तो नहीं किया जा सकता। तो मैं ये सारी चीज़ें जैसे भगवान के कपड़े हैं या तोरण वगैरह है, ये सब एक जगह सेट कर लूँगी और ये वाला रूम पूरा सेट करके रख दूँगी दिवाली के लिए। वगैरह सब कुछ आज सेट कर दूंगी इस रूम की, क्योंकि इस रूम में मेरी बेटी नहीं आती और कोई भी नहीं आता, कोई नहीं सोता है, तो ये रूम मेरा दिवाली तक एटेजिट रहने वाला है मंदिर का। और मंदिर का आधा काम तो मेरा कल ही हो चुका था, जो छोटा मोटा काम रह गया था टेबल को डेकोरेट करना था और थोड़ी बहुत लाइटिंग और लगानी थी, वो मैं अब लगाने वाली हूँ। तो ये वाला रूम मैं आज ही सेटल करके रख दूंगी, बाकी और जो मेरा बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, इन्हें क्लीन कर दूंगी, लेकिन जो फाइनल टच होता है, जैसे कि फाइनल उसमें जो हम बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं या सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करते हैं, वो सब मैं दिवाली वाले दिन ही मॉर्निंग में करती हूँ या फिर छोटी दिवाली की रात को करके रख देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे होने की वजह से आप कितना भी क्लीन करके रख दो वो चीज़ नहीं रह सकती है। तो जिनको जिनके घर में बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो फिलहाल मैं ये वाला रूम आज कंप्लीट कर दूंगी, साथ में आज दरबार का सारा काम कंप्लीट कर दूंगी, ताकि जो भी मेरा रह जाएगा, मतलब गणेश लक्ष्मी जी लाना रह जाएगा जो धनतेरस पे लाया जाता है और दिवाली पे उन्हें विराजमान किया जाता है, सिर्फ मेरा वही काम रह जाएगा, गंगा जल डाल के मैं सारा काम कंप्लीट कर लूंगी। सबके प्राण है गोपाल, राधिका के साथ है श्याम लाल, भक्त करे प्रभु की अर्धाना, हर जीव में कृष्णा का है वास, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो
अपनी जो छोटी मोटी क्लीनिंग थी, जो छोटा मोटा सा काम रह गया था, जो फैला पड़ा हुआ था, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये मेरा मंदिर है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा था। और जो भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं, वो सारे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको चीज़ें दिखाई हैं और सबका लिंक भी दिया हुआ है। तो यहाँ मेरा ये पूरा दरबार रेडी हो गया था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने अपना बेडरूम, ड्राइंग रूम ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर लिया है। अब जो फाइनल चीज़ें रह गई हैं, वो छोटी दिवाली वाले दिन रात में ये सब मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैक टू बैक अब व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो सारे जो भी मेरे व्लॉग्स हैं वो सब आएंगे। और अगर आपको रील्स देखनी है तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।